ओके okay, बेटा नेक्स्ट ट्वेल्थ एग्जाम्पल है जी जो दिया हुआ है इसमें कुछ मेट्रेसेज नज़र आ रहे हैं आपको प्लस माइनस है मतलब इसका पॉजिटिव भी होगा और इसका नेगेटिव भी होगा तो आपको बेटा इसको कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल एट एलिमेंट्स हो गए ना ये कि एलिमेंट दो तीसरा चौथा मेट्रेसेज है सारे के सारे तो आपको प्रूव करना है कि जी जो है वो है फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप और उसका ऑर्डर है एट एट्थ ऑर्डर दिख ही रहा है मेरे को ठीक है फाइनाइट mm. फाइनाइट भी दिख रहा है नॉन एबिलियन ग्रुप ग्रुप तो शो करना है मतलब चार प्रॉपर्टीज़ तो शो करनी है बट उसको नॉन एबिलियन भी शो करना है नॉन एबिलियन का मतलब कॉम्पिटिटिविटी होल्ड नहीं हो रही है ये शो करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि ग्रुप तक शो करके छोड़ दो और एबिलियन की बात ही ना करो नॉन एबिलियन मैंशन कर दिए तो यू नीड टू शो दैट इट इज़ कॉम्पटिटिविटी मतलब होल्ड नहीं हो रही है एंड कॉम्पोजिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का अपलोड ठीक है तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है इन्होंने नाम दे दिया हुआ है इसको आई नाम दे दिया कैपिटल आई ये आइडेंटिटी बनेगा आगे जाके स्मॉल आई स्मॉल जे स्मॉल के तो अब आप नोटिस करें कि ये जो आई स्क्वायर है इसका स्क्वायर करके देख लें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके देखनी पड़ेगी आई का स्क्वायर करके देखें माइनस वन आएगा माइनस वन आ जाएगा माइनस वन बेसिकली इसको वन बुलाया हुआ है इसको आप वन नाम दें या फिर आई नाम दें आप इसको वन नाम दे सकते हैं वन ही नाम दे दे तो बेटर है ठीक है तो वन का मतलब नोटेशन है यहाँ पर ठीक है तो आई स्क्वायर इसको स्क्वायर करेंगे ये चीज़ आ जाएगी जे स्क्वायर करेंगे ये चीज़ आ जाएगी के स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आई इन जे करेंगे के आ जाएगा जे इन के करेंगे आई आ जाएगा के इन आई करेंगे जे आ जाएगा जे इन आई करेंगे आई इन जे किया तो के आया था जे इन आई करेंगे तो माइनस के आएगा के इंटू जे करेंगे उल्टा कर रहे हैं के इन जे करेंगे माइनस आई आएगा के माइनस के आई इंटू के करेंगे तो माइनस जे आएगा ठीक है अब आपका सेट क्या बन चुका है प्लस माइनस वन ये इस, इसको नाम मैंने मैं वन दे दिया था ना प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के तो ये ग्रुप बन के आपका सॉरी सेट बन चुका है ग्रुप बनानी है आपने इसको शो करना है कि ये बनेगा फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप और इसको अगर ये ग्रुप बन गया ना ये ग्रुप बन ही जाएगा इस ग्रुप को हम नाम देंगे क्वार्टर नाइन ग्रुप क्या नाम देंगे क्वार्टर नाइन ग्रुप एंड इसको डिनोट करेंगे हम क्यू एट के साथ क्वार्टर नाइन ग्रुप याद करके रखना आगे जाके काम आए इसके बाद आपके पास आ जाता है अब क्या कहते हैं उसको इसको ग्रुप शो करना है तो ग्रुप शो करने के लिए पहले ये चीज़ें जो जो आपने फाइंड आउट करी हैं ये लिख ली हमने दोबारा ये दोबारा लिख लेना नोट में करा हुआ था ये हम सोल्यूशन में भी लिखेंगे स्किप मत करना अब इसको सोल्यूशन में भी करके दिखाएंगे इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ एक आधा सॉल्व करके भी दिखा देना कि आई इंटू आई करके वन बन रहा है ठीक है ये फन है हर जगह आप सेम चीज़ कर लें वन नहीं चला दें ठीक है तो आई इंटू जे करके के आ रहा है आप एक एक करके लिख दें बाकी सिमिलरली करके लिख देना एक एक सॉल्व करके दिखाई दे ठीक है क्लियरली द सिस्टम इज क्लोज अब देखो आई इंटू आई किया माइनस वन आ गया माइनस वन वापस जी में जा रहा है आई इंटू जे किया के आया जे इंटू के किया माइनस आई आ गया मतलब आप देख रहे हैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर में जो भी आ रहा है वो वापस क्यूएट में क्यूएट में या जी में जा रहा है तो आप कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लियरली सैटिस्फाइड अंडर मल्टीप्लीकेशन सो so, आप प्रॉपर्टी को लिखने की फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी ए इन बी बिलोंग टू जी ठीक है, की की है? क्लियरली होल्ड हो रही है ये लिख देना किसोसिएटिविटी होल्ड लिखा नहीं हुआ ना ये प्रॉपर्टी क्या है ये एसोसिएटिविटी तो है ना तो एसोसिएटिविटी लिख देना हैडिंग डाल के जैसे प्रॉपर हम हर बार लिखते हैं ना इन्होंने हेडिंग्स नहीं डाली तो आप प्लीज हेडिंग डाल के अलग अलग लिख देना इन्होंने इकट्ठा ही लिख दिया ना कि ऑपरेशन जो है क्लोज भी है और एसोसिएटिव भी है ऐसे भी लिख दो का नंबर नहीं कटेंगे बट अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप यहाँ पर क्लोजर की हेडिंग डाल के लिखेंगे कि क्लियरली यहाँ से पता लग रहा है कि एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है क्लोजर uh, होल्ड हो रही है और ये एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है ठीक है आइडेंटिटी भी दिख रहा है कि वन आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा क्योंकि ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करो अब यहाँ पर इस स्मॉल ए का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है वैसे तो हम नॉर्मली मैट्रिक्स को कैपिटल uh, से डिनोट करते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर स्मॉल क्यू डाला है आप कैपिटल के साथ डाल दें कोई चक्कर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैपिटल के साथ डिनोट कर दें यहाँ पर बेसिकली आई जे के ये जनरल में ले गए हैं कि यहाँ पर आई ऐसा कोई भी एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर करके माइनस वन मिल जाए जे स्क्वायर ऐसा कोई भी एलिमेंट होगा इट नॉट इट नीट नी नॉट ऑलवेज बी अ मैट्रिक्स इसके इसमें मैट्रिक्स है बट क्यू एट का मतलब हमेशा नहीं होता कि आई का मतलब यही मैट्रिक्स है जे का मतलब यही मैट्रिक्स है के का मतलब यही मैट्रिक्स है आई कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसका स्क्वायर करके माइनस वन आए जे कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसका स्क्वायर करके माइनस वन आए के वो वाली वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर करके माइनस वन आएगा और बाकी की चीज़ें भी यही सेटिस्फाई होंगी तो वो वो ग्रुप कहलाएगा Q8। तो इन्होंने यहाँ स्मॉल यूज़ कर दिया है अदरवाइज इफ़ यू आर कन्फ्यूज स्टिल यू कैन यूज़ कैपिटल ऑल्सो ठीक है यहाँ पर जनरलाइज में चीज़ें चल रही हैं तो इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल यहाँ पर पर्टिकुलरली मैट्रिसेस की बात नहीं हो रही है तो इसलिए हम कैपिटल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स का वन का वन बन रहा है माइनस वन का माइनस वन बन रहा है क्योंकि वन इंटू वन करके वन आ रहा है और माइनस वन इंटू माइनस वन करके वन आ रहा है अब आप आ, आयोटा का आयोटा बोल रही हूँ आई का इन्वर्स माइनस आई है माइनस आई का आई है ये सब आप ये ये जो तीन चार लाइनें हैं ना इन्हीं से क्लियर हो जाएगा आई इंटू जे करके के आया आई स्क्वायर करके माइनस वन आया अब आप देखो आई स्क्वायर करके माइनस वन आया ना तो आई इंटू आई करके माइनस वन आया तो आई इंटू माइनस आई करके वन आएगा ऑब्वियसली तो आई का इनवर्स माइनस आई है तो ऑब्वियसली माइनस आई का आई है ठीक है ये चीज़ें हो गई इसके बाद जे का माइनस जे है तो माइनस जे का जे है के का माइनस के है तो माइनस के का के है एंड ऑल्सो आई इंटू जे आई इंटू जे जो है वो के है बट जे इंटू आई वो माइनस के है इट मीन्स आई इंटू जे इज़ नॉट इक्वल टू जे इन आई तो ये कॉम्पिटेटिविटी होल्ड नहीं हुई सब कुछ होल्ड हो गया था आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई थी इनवर्स एग्जिस्ट कर गए थे बट कॉम्पटेटिविटी होल्ड नहीं हुई है इट मीन्स ये बन गया हमारा इन जनरल हमारा ये प्रॉपर्टी होल्ड ना नहीं हुई जिसके कारण ये बन गया हमारा ग्रुप तो बन गया बट नॉन एपिलियन ग्रुप बने ठीक है बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो